is living and active, sharper than any two-edged sword, and discerns the thoughts and intentions of the heart. I welcome you all to this morning service. Let us join together in the opening hymn. How lovely are the mountains and the feet of men who bring good news, good news, proclaiming peace, announcing news of happiness, a God reigns, a God reigns. सेक्शन 4 और 5 में शरीक होंगे। सर शक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई विधेय छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचार को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही हे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। थर्ड संडे बिफोर क्रिसमस Advent 2. Let us look to God in prayer. Blessed Lord,
these scriptures to be written for our learning. Help us so to hear them, to read, ponder, and inwardly digest them, that strengthened by your holy word, we may embrace and ever hold fast the hope of everlasting life, which you have given us in our Savior Jesus Christ, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and ever. Amen. परमेश्वर के वचन में जाएंगे. We shall have the ministry of the word now. The first reading is taken from the book of Zechariah, chapter 1, verses 1 to 9. In the eighth month of the second year of Darius, the word of the Lord came to Zechariah, the son of Berechiah, the son of Iddo, the prophet, saying, "The Lord has been very angry with your fathers. Therefore, say to them, thus says the Lord of hosts, return to me, says the Lord of hosts, and I will return to you, says the Lord of hosts. Do not be like your fathers, to whom the former prophets preached, saying, thus says the Lord of hosts, turn now from your evil ways and your evil deeds. But they did not hear nor heed me, says the Lord. Your fathers, where are they? Said the prophets. Do they live forever? Yet surely my words and my statutes, which I commanded my servants the prophets, did they not overtake your fathers? So they returned and said, just as the Lord of hosts determined to do to us, according to our ways, according to our deeds, so he has dealt with us. This is the word of the Lord. Thanks be to God. भजन संहिता उसका 119 अध्याय वचन 134 से लेकर के 144 तक. परमेश्वर की व्यवस्था पर चलने की इच्छा. तेरी चेतौनियां अनूप हैं, इस कारण मैं उन्हें अपने जी से लगाए हुए हूँ. तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं. मैं मुंह खोलकर हांफने लगा, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था. जैसी तेरी रीति अपने नाम की प्रीति रखने वालों से है, वैसे ही मेरी ओर भी फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर. मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर, और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना करने दे. मुझे मनुष्यों के अंधेर से छुड़ा ले, तब मैं तेरे उपदेशों को मानूंगा. अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका दे, और अपनी विधियां मुझे सिखा. मेरी आंखों से जल की धारा बहती रहती है, क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते. परमेश्वर की व्यवस्था का न्याय. हे यहोवा, तू धर्मी है और तेरे नियम सीधे हैं. तूने अपनी चेतौनियों को धर्म और पूरी सत्यता से कहा है. मैं तेरी धुन में भस्म हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे सताने वाले तेरे वचनों को भूल गए हैं. तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, इसीलिए तेरा दास उससे प्रीति रखता है. मैं छोटा और तुच्छ हूँ, तो भी मैं तेरे उपदेशों को नहीं भूलता. तेरा धर्म सदा का धर्म है, और तेरी व्यवस्था का व्यवस्था सत्य है. मैं संकट और सकेती में फंसा हूँ, परंतु मैं तेरी आज्ञाओं से सुखी हूँ. तेरी चेतौनियाँ सदा धर्ममय है. तू मुझको समझ दे कि मैं जीवित रहूँ. परमेश्वर का धन्यवाद. The second reading is taken from 2 Timothy chapter 3 verses 14 to 17 and chapter 4 verses 1 to 5. But as for you, continue in what you have learned and have become convinced of, because you know those from whom you learned it, and how from infancy you have known the holy scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. In the presence of God
and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of his appearing and his kingdom, I give you this charge. Preach the word, be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. For the time will come when men will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. But you keep your head in all situations, endure hardship, do the work of an evangelist, discharge all the duties of your ministry. This is the word of God. हमारा इंजील का पाठ लिया गया है संत योहन्ना की इंजील उसका 5 अध्याय 31 आयत से 47 आयत तक. गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 5 वर्सेस 31-47. जब सुसमाचार पाठ पढ़ा जाता है तो हम मेहरबानी से अपने स्थान पर खड़े हो जाएं. यहां इस प्रकार से लिखा गया है, यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं. एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूं कि मेरी जो गवाही वह देता है वह सच्ची है. तुमने योहन्ना से पूछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी है, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता. तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूं कि तुम्हें उद्धार मिले. वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था, और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा. परंतु मेरे पास जो गवाही है वह योहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूं, वे मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा है. और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है. तुमने ना कभी उसका शब्द सुना और ना उसका रूप देखा है, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते. तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है. फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते. मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं. मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते. यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे. तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? ये ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा. तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है, जिस पर तुमने भरोसा रखा है. क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है. परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे? ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है. आए मसीह तेरी तमजीद हो. योहन्ना ने अपनी इंजील नए मसीहों के लिए लिखी, एंड सर्चिंग नॉन क्रिश्चियंस विद द पर्पस टू प्रेजेंट क्राइस्ट as the second person of Trinity, the Messiah and Son of God. Yohanna pesh karta hai us khudavanish masih ko jo gunah se najat deta hai.
द वन हु डिमांड्स अ ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ, और ईमानदारों को अपनी जिंदगी तक लेकर जाता है। इस पद से पहले, ठीक पहले, हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह सबत के दिन एक 38 साल से लाचार आदमी को, जो चलने फिरने में लाचार है, लंगड़ा है, उसको शिफा देता है। खुदावंद यीशु मसीह को हम देखते हैं अक्सर सबत के दिन नजात दे रहा है कि वो दिखाना चाह रहा है कि खुदा लोगों से मोहब्बत करता है। एंड द लव ऑफ क्रिएशन, द लव फॉर द क्रिएशन कैनॉट बी रिप्लेस्ड विद अ रिलीजियस रिचुअल। खुदावंद यीशु मसीह आगे बताना चाह रहा है दैट ही इज क्लेमिंग टू बी इक्वल विद गॉड इन चैप्टर 5 वर्स 18 एंड ही क्लेम्स टू गिव इटर्नल लाइफ एंड ही क्लेम्स टू जज सिन। थ्रू दीज स्टेटमेंट्स जीसस वॉज क्लेमिंग टू बी डिवाइन, एक ऐसा सच जो यहूदियों को नागवार था। और खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और मूसा का हवाला देता है कि दे सपोर्ट हिज क्लेम ऑफ डिविनिटी। जो लोग शरीयत पर ईमान रखते थे उस शख्सियत को भूल गए जिसकी तरफ शरीयत इशारा कर रही थी। द वर्ड ऑफ गॉड शुड नॉट मेक अस रिलीजनिस्ट बट बिलीवर्स। बाइबल मस्ट इवोक फेथ इन आर हार्ट्स। आज आमद का दूसरा एतवार है और आज का मुद्दा है द वर्ड ऑफ गॉड डिमांड्स रिस्पॉन्स फ्रॉम इट्स हियरर्स। जब हम खुदावंद का कलाम सुनते हैं तो हमें उसका जवाब भी पॉजिटिवली देना है। मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ निकाले यूहन्ना रसूल की इंजील, द गॉस्पल ऑफ जॉन, चैप्टर 5 वर्सेस 31-47। इससे पहले कलाम में आगे और जाएं, आइए हम दुआ करें। हमारे दिलों और रूह को खोल दे आए खुदावंद, ताकि आपका कलाम हमसे बातचीत कर सके, खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। पहला नुक्ता जो हम देखते हैं वो ये है, मती यूहन्ना 5:31-35, जॉन 5:31-35, सम डू नॉट बिलीव डिस्पाइट द एविडेंसेस गॉड गिव्स। जिन लोगों को ईमान नहीं लाना खुदा की बातों पर, चाहे खुदा कितने भी सबूत दे दे, वो ईमान नहीं लेकर आते हैं। देयर वॉज एन अनरेस्ट अमंग द जूज ऑन द हीलिंग ऑफ द क्रिपल्ड ऑन सबत। द जूश टालमुड prohibited 39 categories of activities on Sabbath. Talmud is the central text of rabbinic Judaism and the primary source of Jewish religious laws and Jewish theology. Halakha, Jewish law, derived many activities based on the 39 categories forbidden on Sabbath. The group Jesus was encountering was legalists and religionists. ये खुदगर्ज लोग थे जो इंसान की बनाई हुई शरीयत को खुदा से ऊपर दर्जा देते थे। वो खुदावन की खिदमत करने का दावा तो करते थे मगर उस खुदा से उनकी कोई निस्बत नहीं थी। And consequently, they failed to understand his plans. खुदावंद यीशु मसीह 31-33 आयत के अंदर he satisfies their religionist approach. When the Jews were questioning Jesus' authority, Jesus said that John the Baptist, whom many Jews, including many of the Pharisees, believed, testified about him. John pointed out, यूहन्ना रसूल, यूहन्ना 1:26, 1:39 and 1:36 के अंदर, 1 John chapter 1 verse 26, 29 and 36, John the Baptist,
पॉइंट्स आउट दैट जीसस क्राइस्ट इज द मसीहा, और जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, मगर जब वो खुदावन आ गया तो वो ईमान नहीं लेकर आ पाए। उनकी तकलीफ पता है क्या थी? क्योंकि खुदावन यीशु मसीह चाह रहा था दैट पीपल शुड हैव अ रियली अ स्पिरिचुअल अप्रोच एंड हम्बल एटीट्यूड, बट दीज जूस डिलाइटेड इन फॉलोइंग रिचुअल्स एंड टुक प्राइड इन देम। खुदावन यीशु मसीह आवाम के, ही गोज डाउन टू द लेवल ऑफ मासेस टू मेक देम अंडरस्टैंड हिज अथॉरिटी बाय रिफरिंग टू जॉन द बैप्टिस्ट एज हिज विटनेस। जॉन वॉज कैंडिड, अनएम्बिशियस एंड सिंसियर। उसकी गवाही बिना किसी लालच की थी, बिना किसी पक्षपात की थी, और क्योंकि यहूदी लोग यूहन्ना की गवाही को भी नहीं मान रहे थे, दैट पुट देम इन अ इवन इन अ ग्रेटर गिल्ट। एंड सेकेंडली, टालमुद प्रोटेक्शंस फॉर डिफेंडेंट्स मेड एग्जीक्यूशन वेरी डिफिकल्ट इवन बाय द ग्रेट सन्हेड्रिन दैट इज रिक्वायरिंग टू कॉम्पिटेंट विटनेसेस टू द शाबत वायलेशन एंड एन ऑफिशियल कोर्ट वार्निंग prior to the violation. And this was based on Deuteronomy chapter 17, verse 6 and 19, verse 15. निर्गमन 17, 6 और 19, 15 के अंदर लिखा हुआ है कि दो लोगों की गवाही से बात तय होती है, वो जो है लीगल होती है, दो लोगों की गवाही। खुदावन यीशु मसीह 31 आयत के अंदर बोलते हैं, तो बात स्टेटमेंट इज इन लाइन विद This law that Jesus alone does not testify about himself. कि खुदा यीशु मसीह अकेला अपने बाबत गवाही नहीं दे रहा। The idea is, if we don't want to believe God and follow him, no amount of evidence can help us. While the Jews were busy making allegations, Jesus, based on the laws, Jesus' response was also based on the law. While Jews were making allegation against Jesus based on the law, Jesus' response was also based on the same law. इस लेवल तक खुदावन यीशु मसीह चला जाता है ताकि लोग ईमान पर आ जाए, मगर उन्होंने तय कर लिया था कि उन्होंने ईमान में आना ही नहीं। और जब आप ये बात तय कर लेते हैं कि आपने माननी नहीं है किसी की, तो कितने भी सबूत आपको मिल जाए, आप मानेंगे नहीं बात को। 35वें आयत में वर्स 35, जीसस सेड, जॉन वाज अ लैंप दैट बर्नड एंड गेव लाइट एंड यू चोज फॉर अ टाइम टू एंजॉय हिज लाइट। और जो चिराग है, दीपक है, दैट वाज अ कॉमन टर्म टू डिनोट अ डिस्टिंग्विश्ड हीरो और अ टीचर। रबाई को अक्सर कहा जाता था शरीयत का चिराग, दाऊद इज़राइल का चराग। हाउएवर, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला चराग नहीं है बल्कि नूर है, क्योंकि जो कलाम वो सुना रहा था, जो काम वो कर रहा था, वो नूर है। जॉन द बैप्टिस्ट वॉज अ लैम्प व्हाइल द लाइट्स वर द वर्ड्स एंड वर्क्स दैट केम थ्रू हिम। In the second part of the verse, there is a great twist. खुदावन्द यीशु मसीह कह रहा है, you chose for a time to enjoy his light. कुछ वक्त के लिए तुमने उसकी नूर में खुश रहना तुम्हें अच्छा लगा, तुमने चुना उसका नूर कुछ वक्त के लिए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के नूर को तुमने कुछ वक्त के लिए चुन लिया। They delighted in his teaching. But they were choosy on what to and what not to believe. They admired his teachings. They admired him. Magar unhone usko thukra diya jab Yohanna baptisma dene wale ne Khudavand Yeshu Masih ki taraf ishara kara. Today in the name of rationality, we are choosy on what to accept from the scriptures and what to reject. Though we need to humbly accept the will of God.
खुदावन का काम आसान नहीं है जीजो। चाहे आप कितने भी ईमानदार हो जाएं, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके कुछ जाती मतलब होंगे और वो आपकी बात को कभी नहीं मानेंगे, चाहे आप कितना भी सॉलिड एविडेंस दे दे, चाहे वो आपके काम भी देख लें फिर भी नहीं मानेंगे। बट वी आर कॉल्ड टू सर्व गॉड एंड टू बिलीव एंड ट्रस्ट इन हिज वर्ड। आधा अधूरा ईमान किसी काम का नहीं है जीजो, यह कहीं लेके जा सकता। People failed to believe John the Baptist when he was pointing them towards Christ because Christ demanded change of heart. In every generation, majority follows God as long as he is appealing to them. But when he checks them, they try to interpret his statutes to suit their own requirement, trying to get their own ways. और इसी के साथ दूसरे नुस्खे पर पहुंचते हैं, 36 से 44 verses 36 to 44. Humans manipulate scriptures to suit their requirements. इंसानी लोग, इंसान कलाम के साथ हेरफेर करते हैं ताकि वो अपनी बात चला सके। खुदावन्द यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मे वाले की तरफ इशारा करता है, कहता है कि उसने मेरे गवाही दी और वो कह रहा है कि मेरे काम और मेरी तालीम जो मैं दे रहा हूं ये भी साबित करते हैं कि मैं खुदा की तरफ से हूं। और जब खुदा यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ था तो इसके बाद तो खुदा बाप ने भी आसमान से बात बोली थी कि मेरा प्रिय पुत्र है इसकी सुनो, यानी कि वो खुदा की तरफ से भेजा गया है। और कलाम भी खुदावन्द यीशु मसीह की तरफ इशारा कर रहे थे, मगर जो लोग खुदावन्द यीशु मसीह के साथ थे, के खिलाफ थे, उन्होंने किसी भी बात को माना नहीं। पीपल हु ऑट टू सी रिलीजन एज समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, दोज हु सॉ रिलीजियस लॉज अबव ह्यूमंस कुड नॉट डाइजेस्ट द आइडिया ऑफ गॉड इन ह्यूमन फ्लैश। उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स इतने हाई सेट कर दिए थे दैट दे कुड नॉट अंडरस्टैंड गॉड हु डिसेंडेड ऑन ह्यूमन फॉर्म। कई बार हम भी वी ऑल्सो मेक आवर फेथ बियॉन्ड ह्यूमन रीच एंड बियॉन्ड द ग्रेस ऑफ गॉड। ह्यूमंस यूज लॉज टू इंटरप्रेट लव, गॉड यूजेस लव टू इंटरप्रेट लॉज। 39 आयत के अंदर एक बड़ी खूबसूरत बात खुदावन्द यीशु मसीह बोलता है, यू डिलीजेंटली स्टडी द स्क्रिप्चर्स बिकॉज यू थिंक दैट बाय देम यू पजेस इटर्नल लाइफ। कलाम बेशक हमें खुदा की तरफ लेकर जाता है, मगर अबदी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ खुदावन्द यीशु मसीह के वसीले से मिलती है। आप बड़े ही चौंक जाएंगे, आपको ताज्जुब होगा कि बहुत से बाइबल टीचर जिनके पास डॉक्टरेट्स भी होंगे या बहुत से मनाद इवेंजलिस्ट भी नरक के अंदर पाए जाएंगे। जीसस इज एड्रेसिंग द ग्रुप ऑफ जूस हु टुक प्राइड इन देयर स्क्रिप्चुरल नॉलेज। दे टुक दैट नॉलेज एज अ प्रूफ ऑफ देयर क्लोजनेस टू गॉड एंड क्लेम रिस्पेक्ट फ्रॉम द मासेस। Our days are no different. हम भी कई बार सेल्फ क्लेम्ड सेंट्स को देखते हैं हर जगह। कलाम इसलिए नहीं है कि हम उसकी कहें कि हमें इतना आता है और हमें लोग इज्जत दे, इस बात के लिए नहीं है। कलाम तो इसलिए है कि हमारे खुदा के नजदीकी में ले जाए, उस खुदावन्द यीशु मसीह से मिला दे जो हमें अबदी जिंदगी तक पहुंचाता है। Scriptures do add to our knowledge, but if that knowledge does not evoke faith that leads to new birth, it is futile. The knowledge of Scripture must be at work in our lives, transforming us, bringing us daily closer to the image of God. जो लोगों के साथ उस वक्त और आज भी समस्या है वो ये नहीं है कि हमारे पास उस वक्त के लोग और आज के लोगों के पास समस्या क्या है कि एनीथिंग सिंपल डज नॉट अपील टू अस।
कुछ भी चीज आसान है तो हमें समझ नहीं आती। अगर कोई दवाई सस्ती है तो हम सोचने लग जाते हैं कि ये असर करेगी भी कि नहीं, महंगी है तो हम सोचते हैं हाँ बड़ा असर होगा। सिमिलरली वी डोंट लाइक मैसेजेस दैट आर नॉट अट्रैक्टिव एंड आर नॉट कोटेड विद फाइन वोकैबुलरी एंड फ्लावरी लैंग्वेज। खुदावन की बादशाहत अल्फाजों की बादशाहत नहीं है, वो तो खुदावन के सामर्थ और उसके ईमान की बादशाहत है। खुदावन यीशु मसीह के वक्त में लोग खुदावन यीशु मसीह के कलाम से खुश नहीं थे, बिकॉज ही वॉज टॉकिंग अबाउट एथिक्स मोरालिटी, लोगों की बराबरी के बारे में बात कर रही है करता है खुदावन यीशु मसीह, रूहानी आजादी के बारे में बात करता है, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म को इतना उलझा दिया था और इतना मुश्किल कर दिया था कि कोई भी सीधी सीधी बात उनके गले के नीचे नहीं उतरती थी। 33 खुदावन यीशु मसीह यूहन्ना को अपना गवाह करके बताता है और 36वीं आयत के अंदर याद दिलाता है उन कामों को जो खुदावन यीशु मसीह ने करे हैं, जो साबित करते हैं कि वो मसीहा है। 37 आयत के अंदर खुदा बाप खुद उसका गवाह है, देर कैन बी नो अदर विटनेस ग्रेटर देन दिस। हाउ एवर पीपल हु यूज रिलीजन एज अ मीन टू सेटिस्फाई देयर ओन नीड्स फेल टू सी गॉड इन ह्यूमन फ्लैश। 33 से 43 आयत के अंदर वी फाइंड द मोटिवेशन बिहाइंड जीसस पेशेंस। लुक एट द सिचुएशन, हालात पर ध्यान दे। पाप तसलीस का की दूसरी शख्सियत द सेकंड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी, वो अपना आसमानी जलाल छोड़कर इंसान की खिदमत के लिए आ गया, उनको सिखा रहा है, उनको कलाम सिखा रहा है, उनको खुदावन से रुजू करा रहा है, और ये लोग खुदावन यीशु मसीह का की बेइज्जती कर रहे हैं, उसको सता रहे हैं, मगर फिर भी ये खुदावन अपने काम से पीछे नहीं हट रहा। द गॉड इन फ्लेश कंटिन्यूज हिज वर्क डिस्पाइट पर्सिक्यूशन। He says he does not accept or perhaps expect praises from men. Verse 41. मगर वो खुदावन के नाम से आता है जो उसको ताकत देता है और उसकी मदद करता है कि सताव को झेल ले वो। अगर हम खुदा की खिदमत में अज़ीज़ो तो शैतान तरह तरह की आजमाइशें, तरह तरह की मायूसी हमारे पास लेकर आता है। लोग कलाम को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं, बट वी नीड टू बी फोकस्ड। हमें अपने खुदावन यीशु मसीह की तरफ से नजरें नहीं हटानी, वी नीड टू बी फोकस्ड ऑन द वन हु हैज कॉल्ड अस टू सर्व। द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट सेज इन वर्स 44 दैट दीज मेन मेक नो एफर्ट टू ऑब्टेन प्रेजेस फ्रॉम गॉड बिकॉज देयर थिंकिंग इज कार्नल एंड दे लिव फॉर द वर्ल्ड। जो इंसान दुनिया के लिए जिएगा उसे फर्क नहीं पड़ता खुदा उसके बारे में क्या सोच रहा है, और वो दिखावे की जिंदगी जीता है, दुनिया को दिखाने के लिए मैं रूहानी हूं मगर खुदा के नजदीक नहीं होगा। सच पीपल, ऐसे लोगों के लिए ना तो कलाम की कोई इज्जत है और ना ही खुदा की। पीपल ऑफ गॉड मस्ट नॉट फॉल प्रे टू सच एटीट्यूड। दे मस्ट रिमेन हम्बल, उन्हें दीन रहना है, एंड दे मस्ट एक्सेप्ट द ट्रुथ of the scriptures. With this we reach the final point of the sermon. आखिरी मुद्दे पर पहुंचते हैं। The word of God must motivate to accept his truth. Verses 45 to 47. खुदा का कलाम हमारे अंदर ऐसी बात जगाने वाला होना चाहिए कि हम उसके कलाम को कबूलें। 45वीं आयत खुदा यीशु मसीह कहता है, बट डू नॉट थिंक, ये मत सोचो कि मैं तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाऊंगा बाप के सामने। खुदा यीशु मसीह हमारा नजात दहिंदा करके आया। He came as a counselor and an advocate. The uniqueness of Christ lies in the fact that he is the redeemer and he himself is the ransom. He is both the priest and the sacrifice. यूहन्ना 10:18 के अंदर he said that he lays down his life at his own accord. कोई जबरदस्ती खुदावन यीशु मसीह से उसकी जिंदगी छीन नहीं सकता। इतना अजीम कुर्बानी देने के बाद भी वो हम पर दोष नहीं लगाएगा। कितना अजीम खुदा है हमारा। ऑन हिज फर्स्ट कमिंग ही केम एज अ मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड पीपल। इन द प्रोसेस
उसने खुदावन यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने अपने ऊपर खुदा का कहर ले लिया और हमको बचा लिया। इतना सब कुछ जानने के बाद बहुत से लोग ईमान नहीं लाते, और जो लोग ईमान ले आए वो उसके पीछे चलना नहीं मांगते। अजीजो, आपका ईमान अगर मदद नहीं कर रहा आपकी कि खुदावन के कहे पर चले, तो ऐसे ईमान का कोई फायदा नहीं है। On his second coming, he will come as the judge of creation. He never accuses us. Rather, he grants us mercy till the time he returns, giving us opportunity to repent. The violet color on the altar these days, in the days of Advent, represent penitence, which must be observed through fasting. ये जामनी कलर है, इसका मतलब है कि हम गुनाहों से तौबा करें, रोजा रखें। It is a time of fasting and not feasting. 45 आयत के अंदर खुदा ने शुरू से कहता है कि your accuser is Moses, on whom your hopes are set. इन लोगों की उम्मीदें बड़ी थी मोसे मूसा से, यानी कि मूसा की शरीयत और उसका तर्जुमा, इट्स इंटरप्रिटेशन लाइक तालमुड, हलक्का एंड अदर ज्यूइश ट्रेडिशंस, दे बिलीव इन दीज थिंग्स। सिंस दे लिव्ड बाय दोज लॉज, दे विल पेरिश बाय दोज लॉज, क्योंकि अगर वो शरीयत को मान नहीं पाएंगे तो सजा भी उनके ऊपर आ जाएगी, क्योंकि रहमत के बादशाह को तो उन्होंने कबूला नहीं। दे फेल टू ट्रस्ट एंड फॉलो द मसीह, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे विल नॉट रिसीव ग्रेस दैट सेव्स ह्यूमन फ्रॉम इटर्नल डैमनेशन। 46 वर्स इट रीड्स, इफ यू बिलीव मोसेस यू विल बिलीव मी फॉर ही रोट अबाउट मी। मोसेस रोट इन जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15 एंड आई विल, मैं तेरे, और उत्पत्ति 3:15 के अंदर मूसा कहता है कि खुदावन यहोवा कह रहा है कि औरत की औलाद और सांप के बीच में मैं बैर पैदा करूंगा, तू उसकी एड़ी को डसेगा और वह तेरा सर कुचलेगा। और प्रकाशित वाक्य 12 के अंदर ये जो दुश्मनी है और विस्तार से बताई गई है, जब when the woman was to bear a son and the dragon was trying to kill that son. गिनती numbers chapter 21 verse 9, वहां पर मूसा ने एक तांबे का सांप बनाकर लकड़ी पर लटका दिया, पोल खंभे पर लटकाया, और इसी तरह से जो उस सांप को देख रहा था वो बच रहा था, ठीक उसी तरह से सलीब पर लटकाया हुआ मसीह शराप बन गया, और जो उस मसीह को देख लिया जिसने उसने अपनी जिंदगी पाली, उसको उसकी जिंदगी बच गई। प्रकाशित वाक्य 2:27 के अंदर बात पूरी हुई जो मूसा ने नंबर्स गिनती 24:17 में कही, कहता है, अ स्टार विल कम आउट ऑफ जेकब, अ स्केप्टर विल राइज आउट ऑफ इज़राइल, ही विल क्रश द फोरहेड्स ऑफ मोआब एंड द स्कल ऑफ द पीपल ऑफ शेत। प्रकाशित वाक्य 2:27 के अंदर खुदा यीशु मसीह, ही विल रूल द वर्ल्ड विद द आयरन स्केप्टर, व्हाइल रेवलेशन 22:16 डिस्क्राइब्स जीसस एज मॉर्निंग स्टार। तो खुदा यीशु मसीह कहता है कि मूसा और यहोवा ने मेरी बाबत नबूवत करी, फिर भी तुमने नहीं माना। क्वाइट इंटरेस्टिंगली द पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड अपॉन ह्यूमंस ऑन एज रिटन बाय मोसेस इन जेनेसिस 3:16, दैट इज द पेन ऑफ द चाइल्ड बर्थ एंड स्ट्रगल बिटवीन द ह्यूमन रेस, फाइंड्स इट रिडेम्पशन इन जॉन 3:16, वेयर दोज जो लोग खुदावन पर ईमान लाते हैं वो नाश नहीं होंगे बल्कि अनंत जीवन पाएंगे। देयरफॉर द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट टुक अवे द कर्स ऑफ ह्यूमन रेस। दोज हु क्लेम टू फॉलो स्क्रिप्चर्स एक्चुअली कोटेड स्क्रिप्चर्स अगेंस्ट द मसीहा, दे मेड फॉल्स क्लेम ऑफ फॉलोइंग मोसेस, वो मूसा को के बात को मानने का और शरीयत को मानने का झूठा दावा कर रहे थे, क्योंकि वो शरीयत, वो कानून, ये नबी
पुराना अहदनामा खुदा यीशु मसीह की तरफ इशारा कर रहा है और उन्होंने उसी को छोड़ दिया। द वर्ड ऑफ गॉड इज अ डबल एजेड सॉर्ड। दोज हु रीड इट मस्ट बिलीव टू डिस्ट्रॉय द पावर्स ऑफ डार्कनेस, बट दोज हु रीड टू फाइंड एक्सक्यूजेस not to obey God will themselves be destroyed by that word. The ones who believe in the laws of the Lord but fail to acknowledge and follow the Redeemer cannot escape the eternal damnation. यहूदियों ने अब्राहम का दिया हुआ, अब्राहम के जरिए जो वायदा आया वो तो उन्होंने मिराज में ले लिया बिकॉज इट वॉज टॉकिंग अबाउट अर्थली किंगडम, मगर खुदावन यीशु मसीह के जरिए जो वायदा आया अबदी जिंदगी का, अबदी बादशाहत का, वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि वो खुदावन यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाए। और राह और जिंदगी तो वही है। बाइबल इज नॉट द बुक ऑफ जनरल नॉलेज, कोई ज्ञान की किताब नहीं है बाइबल, or something that we must study to boast our knowledge about God. ये हमारी जिंदगी का संविधान है, this is the constitution of our lives. We must not merely be the hearers of God's word, but we need to respond to it positively. A body that refuses to respond to its surrounding conditions is actually immune, which means it is seriously ill and needs medical treatment, else it may make you sick or even cause death. The word of God, खुदावन की शरीयत, खुदावन का कलाम हमको खुदावन यीशु मसीह तक लेकर जाता है, हमारा मसीहा है वो। However, if we keep on gaining knowledge from the word of God and restrict it from changing our lives, we will become subject to eternal damnation. खुदा यीशु मसीह जब वापस आएगा तो हमको इनाम इस बात पर नहीं मिलेगा कि हम शरीयत या धर्मशास्त्र को कितने अच्छे से जानते हैं, बल्कि इस बात पर जवाब मिलेगा कि हाउ वी हैव रिस्पॉन्डेड टू हिज वर्ड। टुडे इज एडवेंट 2, सेकेंड संडे ऑफ द एडवेंट, एंड द थीम फॉर द मेडिटेशन इज द वर्ड ऑफ गॉड डिमांड्स रिस्पॉन्स फ्रॉम इट्स हियरर्स। खुदावन का कलाम कलाम के सुनने वालों से जवाब चाहता है। आइए हम दुआ करें। प्यारे खुदावन, रहमत के बादशाह, हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं आपके बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के लिए जिसने अपनी जान कुर्बान कर दी ताकि उसके ईमानदार अबदी जिंदगी पाए। आए खुदावन, हमें हमारे अंदर पाखरू ऐसा दें ताकि जब आपके कलाम को सुनते हैं हमारा दिल घमंड से ना भरे बल्कि तौबा से भर जाए, इस एहसास से भरे कि हम कितने गुनाह में हैं। हमारी जिंदगी बदले ताकि हम उस बादशाहत के वारिस बन जाएं जो हमारे खुदावन्द यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार करी है। ये नाज करें अपने बेटे हमारे दरमियानी और फिदिया देने वाले खुदावन्द यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। Having heard the word of God, let us now affirm our faith by reciting the Nicene Creed. खुदा का कलाम सुनने के बाद आइए हम अपने ईमान का इजहार करें, निकाया का अकीदा हम मिलकर दोहराइए। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं, वो स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र स्वर्ग युगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, प्रेत नहीं वरन उत्पन्न है। उसका पिता का तत्व एक है, उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्य के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वो स्वर्ग से उतर आए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो कुमारी मरियम से जन्म और मनुष्य बने, पुंतुस पिलातुस के शासक ने वो हमारे क्रूस पर चढ़ाए गए, उन्होंने दुख भोगा, वो मरे और गाड़े गए, पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वो तीसरे दिन जी उठे, वो स्वर्ग पर चढ़ गए,
और पिता के दाहिने ओर विराजमान हुए। वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ में आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, वो प्रभु और जीवन दाता है, वो पिता और पुत्र से निकलता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वे नबियों की जबानी बोला, हम एक पवित्र सर्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। Let's pray. Precious Lord, Heavenly Father, Wonderful Counselor, Mighty and Everlasting God, the Prince of Peace, we know that peace on earth can only come when our hearts find peace with you. Savior, you are Lord of Lords and King of Kings. Lord Jesus, I want to thank you for the blessed Advent Sunday worship. Father, guide us to be faithful Christians. Fill our hearts with the Holy Spirit. Help us to submit and rely on you alone. Direct our paths and give us the confidence to follow your direction. Help us to obey everything that you have taught us through your word. May we thrive and be firmly rooted in your love. Gracious Father, help us to listen to your voice and follow you with all our heart, mind and soul. Master, thank you for the gift of life. Lord, thank you for being with us. Jesus, thank you for our church and clergy. Let grace and peace be upon us as we come to the end of our worship. Let your words bear fruit in our lives so that we may glorify your name. Holy Father, thank you for your faithfulness. Strengthen our faithfulness, Lord, in this Christmas month when every heart should be happy and joyful. Many of us are struggling with the heaviness of life's burdens, anxiety, fear and uncertainty due to coronavirus, loss of jobs, reduction in salary steals our joy and peace. Jesus, give rest to the weary, patience to the anxious and solace to the bereaved. Lord, may we never fail to recognize your loving kindness and mercy. Fill our hearts with compassion, thanksgiving, gratitude. Help us to count our blessings with a grateful heart and to give thanks in all circumstances. Jesus, in this time of pandemic, be with all the people, especially the doctors, nurses, paramedics, other hospital staff and government officials. Lord God Almighty, thank you again for the blessed Advent worship. As we end the worship, Lord, help us to keep your word in our hearts. Help us never to forget that you are with us. Heavenly Father, bless each one of us with wisdom and good health. In Jesus' name, Amen. हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। हमारे बाप जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी से ही तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए। है हमारे बाप रोज की रोटी हमारी आज तो हमको दे दे, जीवन की रोटी तू है, वो ही हमारा अपराधी को माफ करते
अपराधों को माफ कर दे, है हमारे बाप, हमें आजमाइशों में जाने तू ना देना, बल्कि बुराई से बचा, तेरी राह पर चला, announcements. Every Sunday evening, praise and worship service is at 6 p.m. through Zoom. Every Sunday, Sunday school is at 12 p.m. through Zoom. Every Wednesday, midweek prayer meeting at 6:30 p.m. through Zoom. Every Saturday, youth fellowship Bible study at 6 p.m. through Zoom. एवरी सेकेंड सैटरडे ऑफ द मंथ, महीने के दूसरे शनिवार को WFCS बाइबल स्टडी 5 बजे 5 PM थ्रू जूम. एवरी वेंसडे प्रेयर मीटिंग इज एट 8 PM इन ग्रेटर नोएडा थ्रू जूम. एवरी संडे इवनिंग सर्विस इज एट 6 PM इन ग्रेटर नोएडा थ्रू जूम. वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सेंड द ट्रांजेक्शन डिटेल्स टू अस सो दैट वी कैन टैली आवर अकाउंट्स. मेहरबानी से अगर आप किसी भी तरह का कोई दान अगर देते हैं चर्च के अंदर, तो उसकी इत्तला मिसेस क्रिस्टी फ्रैंकलिन को चर्च एडमिन ऑफिस में मेहरबानी करके इत्तला कर दें. दोज रिक्वायरिंग पास्टरल केयर, जिसको पासवानी खिदमत की ज़रूरत है, चाहे आपको होली करनी चाहिए, फैमिली विजिट्स पे चाहते हैं, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. थैंक यू. प्लीज नोट द बर्थडेज दिस वीक. मेहरबानी से इस हफ्ते के जन्मदिन पर ध्यान दीजिए. 6 दिसंबर 6th December मिस्टर फ्रैंक अग्रवाल, 7 दिसंबर 7th December मिस जसिंता दाफदर, मिस्टर रोहन डैम, मिस्टर जॉन जेम्स, मिस्टर अजीत कुमार, मिस अहाना मैसी, मिस अपराजिता डेविस, मिस्टर अनुभव वर्मा, मिस रुचि डेविड. 9th December 9 December Mr. Ishan Keskar, Mr. Zorin Singha. 10th December 10 December Lieutenant Colonel R.C. Thapliyal. 12th December 12 December Mr. Steve Velachami, Mr. Anuj Luke. आइए हम इनके लिए दुआ मांगे. खुदावन, हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं इस ज़िंदगी के तोहफे के लिए जो आपने हमको दिया. क्या है खुदावन, अपनी ज़िंदगी और खिदमत से आपके नाम का जलाल बजा लाएं. वी आर थैंकफुल टू यू फॉर योर चिल्ड्रन हु आर सेलिब्रेटिंग दिस देयर बर्थडेज कमिंग वीक. फादर, वी आर थैंकफुल टू यू फॉर योर मर्सीज, फॉर योर ब्लेसिंग्स थ्रू आउट योर लाइफ, इवन थ्रू आउट द पास्ट ईयर. And even as they have stepped into one more year of your grace, we seek your continual blessings and your presence upon their lives. May they grow in life. May they grow in your spirit. May they excel in their lives. Bless them in special ways so that their cups keep overflowing. To the glory of your name we pray. Amen. वेडिंग एनिवर्सरीज दिस वीक, इस हफ्ते शादी की सालगिरह. 6 December मिसेज एंड लेफ्टिनेंट कर्नल पाशा विश्वास, मिसेज डॉक्टर एंड डॉक्टर आशीष पुनेकल. 9 December 9 December मिसेज डॉक्टर एंड डॉक्टर पुनीत नाथ. 12th December, 12 December, Mrs. and Mr. Gaurav Vij.
आइए हम इन जोड़ों के लिए खुदा उनसे बरकतें मांगे। फादर, वी आर ग्रेटली थैंकफुल टू यू फॉर योर चिल्ड्रन हु आर सेलिब्रेटिंग देयर वेडिंग एनिवर्सरीज कमिंग वीक। लॉर्ड, वी सीक योर प्रेजेंस, योर ब्लेसिंग्स अपॉन देयर लाइव्स, इवन एज इट हैज बीन ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। Lord, let your grace be upon these families and bind them together with your love. May they grow in understanding and in the spirit of the Lord, so that, Father, through these couples and their families, your people shall be blessed and your name is glorified. With much thanksgiving, we ask this prayer in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. May the light of Christ, the Son of Righteousness, shine upon you and scatter the darkness from before your path. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit rest and abide with you now and forever. Amen. दुनिया में तू पापियों को बचाने को प्यारे ईमान जो मेरे पर करेगा पार इस दुनिया को दुनिया को Yeah.